नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका बहुत स्वागत है। राजनीति को बहुत सारे लोग बहुत गंदा बताते हैं, लेकिन सच तो ये है कि राजनीति बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव को पटकनी देने के बाद भाजपा अब सपा को एक और झटका देने की तैयारी में है, उसने पूरी तैयारी कर ली है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा की नज़र इस समय सपा के आधार वोट, जो उसका वोट बैंक है, लोहियावादी नेताओं पर है। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम सुखराम यादव का सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को अपने कानपुर दौरे पे सेंट्रल यूपी के सपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और हरमोहन सिंह यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी भी रहे हैं, काफ़ी करीबी थे। और हरमोहन सिंह यादव के बेटे सुखराम यादव ने पीएम मोदी को पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है, उन्हें इन्वाइट किया है। सुखराम यादव पहले भी पीएम मोदी और सीएम योगी से मुलाकात कर चुके हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के सुखराम यादव ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री हमारे घर में अगर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारे परिवार से उनका लगाव बढ़ेगा और इससे फायदा बीजेपी को भी मिलेगा। ये उनका संदेश बहुत मायने रखता है, अब आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। और सुखराम यादव ने ये भी कहा है कि सपा को बनाने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, वो सपा के फाउंडर मेंबर हैं, पीएम मोदी से उनका लगाव है, उनकी भावनाओं को वो समझते हैं, उनकी तरह का पीएम देश को बहुत कम मिलता है, ऐसा भी उनका कहना है। और उनको यानी कि सुखराम यादव को पीएम मोदी की नीतियां बहुत पसंद हैं, विदेशों में भी उनकी छवि बहुत अच्छी बन रही है, लोगों में उसका विश्वास उनका बढ़ रहा है पीएम मोदी का। मैं आपको बता दूं कि सुखराम सिंह के पुत्र मोहित यादव पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में सुखराम द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद ये माना जा रहा है कि वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल वो सपा में हैं और भाजपा में यानी कि अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन समय किसको कहाँ ले जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि राजनीति बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और भाजपा की जो उनकी नज़दीकियाँ हैं उस पर उन्होंने एक टिप्पणी करी है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने उनके इस प्रोग्राम को सराहा है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि किसी बात की चिंता नहीं है, मैं मुलायम सिंह यादव का भी साथ दूंगा, गरीब और किसान की जो बात करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। अब मैं आती हूँ मुद्दे की बात पे। सुखराम ने सपा के वोट बैंक कहे जाने वाले यादव वर्ग को लेकर के कहा कि उन्होंने यादव महासभा में ये कहा है कि यादवों का जहाँ सम्मान हो, जहाँ लोग उन्हें सम्मान करें, जहाँ लोग उनके काम को तवज्जो दे, उनके काम आए, उन्हें वहाँ जाना चाहिए। यादव वर्ग के लोग अब एक पार्टी के वोट बैंक बनके नहीं रहेंगे, यानी कि सीधा सीधा उन्होंने कहा कि वो जो अखिलेश यादव हैं यानी कि मुलायम सिंह यादव हैं उनके साथ वो वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे, अब वो कहीं भी जा सकते हैं। पीएम मोदी के उनके अगर वो घर जाते हैं तो बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा, ये भी उन्होंने खुलेआम कहा है। सपा कुनबे के नेताओं में भाजपा के लिए वो पहली बार नहीं देखा जा रहा है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव ने सपा से भाजपा में जंप किया, उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। वहीं शिवपाल यादव भी बीच बीच में भाजपा के नेताओं की तारीफ करते हैं, ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की नीति साफ नजर आ रही है कि वो सपा के कद्दावर नेताओं को अपने साथ लाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। यूं तो जो मैंने आपसे कंटेंट शेयर किया है इस पे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, लेकिन फिर भी अब चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से बीजेपी ने शुरू कर दी है, इसलिए वो अपने सारे रास्ते खुल करके चल रही है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और कंटेंट के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल एमबी स्पीक्स देखते रहिए। एक और बात दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी वीडियोस आपको अगर पसंद आए तो आप उनको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।